हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं पार्ट फर्स्ट का स्क्रब के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ फेस के ऊपर। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो जरूर चेकआउट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसके अलावा आई बटन में भी दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि कभी भी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं वो क्या असर करती है, कभी कभी करती भी है कि नहीं करती है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर प्रोडक्ट आपके फेस पे स्किन पे सूट करे या क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाली हूँ आपके सामने दो प्रोडक्ट का, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, वन सेकेंड, ओके। तो ये दो प्रोडक्ट का यूज़ करने वाली हूँ, एक है एलोवेरा जेल और दूसरा है मॉइस्चराइजर क्रीम। दोनों का ऑनेस्टली रिव्यू आपको बताऊँगी और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं सब कुछ अपने आप में शेयर करने वाली हूँ, है ना। तो इसकी MRP है 70 रुपीज़, यहाँ पे लिखी हुई है 70 रुपीज़ है। सॉफ्ट सिल्की फीलिंग्स है एंड 70 रुपीज़ का आता है, 1 ईयर की वारंटी है, ठीक है। एंड सेकेंड है, अमेजोन पे अवेलेबल है ये, 90 रुपीज़ की प्राइस है और इसकी वारंटी आती है 2 ईयर्स की। धनिया, न्यू धनिया सुपर रिच क्रीम ए सॉफ्टर एंड फ्रेश फिलिंग, ठीक है। इसके अंदर है ग्लिसरीन, विटामिन ई, उसके अलावा यह है 2 साल तक की इसकी वारंटी है। एंड क्या है, किस तरह से है एंड ये किस तरीके से है जेल, मैं पहले बात करने वाली हूँ एलोवेरा जेल की। देखो इस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डब्बे को मैं जितना भी अभी यूज़ कर रही हूँ इसको, एंड ये देखिए यहाँ पे हाथ डालोगे बिकॉज इतना यूज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से है एंड लिक्विड फॉर्म में आता है इसे जेल में। एंड लुक एट दिस, ये कंप्लीट जेल फॉर्म में आता है, आपके हाथों में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको फेस पे अप्लाई क्यों नहीं करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। मैं इसको सिर्फ अभी हाथों और पैरों पे यूज़ कर रही हूँ, मैं अभी इसको फेस पे यूज़ नहीं करने वाली। तो मैं फेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे अमेजोन का ये धनिया का, दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट ये डब्बा मेरा ख़त्म होने वाला है बिकॉज इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं पूरे फेस पे इसको बस जेंटली मसाज करने वाली हूँ 1 मिनट तक। तो जो ये क्रीम है इसकी, एक तो ये इसका जो स्मेल है ना वो थोड़ा थोड़ा आयुर क्रीम से मिलता जुलता है। आयुर या बोरो प्लस से मिक्स्ड है, मतलब प्योर आयुर का भी नहीं, आयुर और बोरो प्लस का जो मिक्स आता है ना, मतलब बोरो प्लस आता है ना उस, और बोरो प्लस उसका थोड़ा सा मतलब ऐसा इसका स्मेल जैसा आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड फेस पे इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है एंड मेरी स्किन को बहुत सूट कर रही है। तो ये मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। मैं फेस स्क्रब करने के बाद में अक्सर इसी क्रीम का यूज़ करती हूँ। यदि मैं बात करूँ आजकल मैं जिस क्रीम का यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एंड यह है देखो 90 रुपीज़ का लिखा हुआ है बट ये मुझे 70 रुपीज़ में मिला था एंड 2 साल की वारंटी है सारे। और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, देखिए ये अमेजोन से डिलीवर हुआ है तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। उसके अलावा एलोवेरा जेल की बात करूँ तो यह आपको मिलेगा जेल सॉफ्ट एंड सिल्की फीलिंग्स, ये लोकल स्टोर से लिया हुआ है, MRP 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ लिखी है बट मुझे 50 में ही मिला था।
एंड मैं इसकी बात करूँ, मैं इसको फेस पे क्यों नहीं अप्लाई करती, बिकॉज जैसे मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ और उसके जैसे मैं बाहर भी चली गई या छत पे कपड़े डालने भी चली गई या फिर कुछ भी, तो मेरा जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लग गई, मतलब सन टैन बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो यह मेरे फेस को धीरे धीरे इसको मतलब ब्लैकिश देख कर रहा था धीरे धीरे, मतलब या तो मेरी स्किन को ये सूट ही नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नहीं लगाऊंगी एंड मैं इसको हाथ पैरों में आजकल नहाने के बाद में यूज़ करती हूँ, या फिर एलोवेरा जेल के बहुत सारे यूजेज तो मैं उनमें यूज़ करूँगी, बट मैं इसको फेस पर अप्लाई नहीं कर रही। लाइक जैसे मैं इससे पहले मैंने जो एलोवेरा जेल लिया था वो 180 रुपीज़ का था, वो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा था एंड एवन क्वालिटी का था, वो फिनिश हो गया। तो शॉप पे गई तो किसी ने सजेस्ट कर दिया, तो हर प्रोडक्ट अच्छे हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है, कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं। लाइक दिस, ये मेरे लिए अच्छा निकल गया, ये सॉरी ये मेरे लिए इसका जो भी अच्छा निकल गया, जेल अच्छा नहीं निकला। तो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट कभी कभी सूट करते हैं कभी कभी सूट नहीं करते हैं। तो बस मैंने देखा एंड मुझे ये एलोवेरा जेल सूट नहीं किया फॉर मेरे स्किन टाइप में। जैसे मेकअप के कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो आपको सूट नहीं करते, कुछ कर जाते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो सेम मेरे साथ यही हुआ। मैंने ये ले तो लिया है बट यही है कि मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी, आप सजेशन करें क्या करूँ मैं इसका। अदरवाइज मैं इसको फेस पे ऐसे हाथ पे ऐसे या जेल वेल बना बना के इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी, और तो क्या बोलूँ। एंड फेस पे मैं इस मौके में यूज़ कर रही हूँ ब्लू वैली की, यह है वैसलीन है फ्लिपकार्ट फॉर माई लिप्स। इसके बाद में आपको जो भी फेस पे लगाना हो, कोई भी क्रीम वगैरह तो आप लगा सकते हैं। हल्के से अपनी आईज पे भी कर दूंगी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। यदि आप इसको वैसलीन को लगा के फ्रीज रख लिया अप्लाई करोगे ना तो थोड़ा अच्छा फील होता है, रिलैक्स। तो डन, मेरा फेस केयर इतना ही था कि मैं क्या करती हूँ, स्क्रब करती हूँ एंड अप्लाई दिस नॉर्मल सी क्रीम। और उसके बाद में यदि आपको मेकअप करना कहीं तैयार जाने के लिए तैयार होना तो अपना मेकअप नॉर्मली स्टार्ट कर दो। मेकअप तो आपको पता ही है कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आप कोई चाहते हो किसी टॉपिक पे या फिर किसी क्वेश्चन पे वीडियो बनाओ, जैसे मेरे को मैं थिंक सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस क्रिएट करो, आप सजेस्ट कीजिए मुझे, तो मैं जरूर डेफिनेटली ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ में। और मेरा जो स्किन केयर है, फेस केयर है, वो आपको कैसा लगा जरूर बताना। एंड ऑनेस्टली रिव्यू करूँ तो मैं इसको थम्स डाउन करूँगी एंड इसको थम्स अप करूँगी, या फिर इसको मैं 5 में से 2 मार्क्स दूंगी एंड इसको 4.5। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।